देखिए बांटने वाले भी वही हैं, काटने वाले भी वही हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ नफरत की बात फैलानी आती है। जो प्रेम में आप मेरा को उल्लास होगा प्रचार करने के लिए, तो फिर आपको पार्टी पार्टी में अपना बोल भाई मेरा को मेरा साथ ग्रुप में आए इस तरह की जिम्मेदारी मार कर चल रही है जी। देखिए हमारी पार्टी 9 सीटों पर यूपी में चुनाव है, 9 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हर जगह मजबूती से हमारी पार्टी चुनाव लड़ने का काम कर रही है। पीडीए का जो नारा था उसको बुलंद करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि 9 की 9 सीटें समाजवादी के खाते में जाएंगी। इकरा जी, जो एमआईएम के जो नेता है वे आपको पोस्टर गर्ल बता रहे हैं, अपने बयान दिया तो नहीं चुनाव में, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए बेबुनियाद बातों पर हम कोई रिएक्शन नहीं देंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं देखिए बांटने वाले भी वही है, काटने वाले भी वही है। ऐसे लोगों को सिर्फ नफरत की बात फैलानी आती है। हम जोड़ने की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं और हम प्यार से सबको जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने एक नया बयान दिया है, उसने कहा जिस गाड़ी में सपा का गुंडा जिनकी पार्टी में ब्रिजभूषण जैसे लोग हो, चुनाव लड़ते हो, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हमारी बहनों ने किया उसके बावजूद जिन पर कोई असर नहीं हुआ उनके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं। जयंत चौधरी आपके पीडीए को बताया नहीं? देखिए पीडीए का जो नारा है वो अपने आप में अपनी जीत दिखा चुका है, अपना वजूद दर्शा चुका है लोकसभा के चुनाव में। ये जनता के बीच का धरातल का मुद्दा है, नारा है और हमें पूरी उम्मीद है इसी पर आगे भी हमें जीत। ये बोला जा रहा है कि आप मुसलमानों को साधने के लिए मेरापुर आए, अच्छी खासी संख्या में मुसलमान है, 4 मेरापुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए सभी लोग, हम सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हम सबको साधने के लिए आए हैं। हमारी पार्टी का पीडीए का नारा है और सिर्फ एक जाति के बलबूते पे कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। हमारा प्रयास है कि हम 36 बिरादरी को, हर समाज को साथ लेकर देखिए ये सब कोर्ट के मामले होते हैं। अगर ऐसा कुछ है सरकार उनकी है, वो मुकदमा करे, कोर्ट में बात जाएगी। बेफिजूल में किसी बात को राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का, बेबुनियाद बात को कोई फायदा नहीं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी के गठबंधन में तलाक आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी इस कदर समझौता है कि यहाँ पर हमारे लोग, कांग्रेस ने सबको समाजवादी को समर्थन देने का काम किया है हर सीट पर, तो ये अच्छी बात है। बहुत आपस में तालमेल है, मेलजोल है और चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ रहे हैं। लेकिन आपके गठबंधन से कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर प्रचार में नहीं है? पहले इमरान मसूद आते थे लेकिन वो भी नहीं आए जब से आपके प्रत्याशी आए। देखिए ये तो उनकी पार्टी की नीति हो सकती है, हम नहीं जानते, उनसे पूछना बेहतर है। आपकी बेटी होने के नाते से आज आपके बीच में एक गुजारिश करने आई हूँ कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, जो आपकी हमारी लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम आपने लोकसभा के चुनाव में भी देखा, भाजपा को हटाने के लिए जो गति उन्होंने गठबंधन को दी है वो और कोई नहीं दे पाया, तो आज वक्त है कि वो गति रुक ना पाए। आप और हम कोशिश करें कि जिस राह पे तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं उसमें आप लोग भी अपना योगदान दें। और ये लड़ाई सिर्फ इस उपचुनाव की नहीं है, ये लड़ाई आने वाली 27 का रास्ता तय करेगी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है और इसमें आप सबके साथ की, आपके सहयोग की हमें जरूरत है। 10 साल से हमारे ऊपर कैसी सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी, क्या इनके कारनामे रहे हैं, किस तरीके से इन्होंने आपको और हमें चिन्हित कर करके परेशान करने का काम किया है। आगे जो कानून बनते जा रहे हैं वो आपके सामने है, इन्हें रोकने का अगर कोई तरीका है तो वो सिर्फ एक वोट है आपका। हम और कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास सिर्फ अपने वोट की ताकत है और इस ताकत को आपको समझना है और इस ताकत का इस्तेमाल सही जगह पर करना है। बहुत से लोग हैं और भी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि जो जीत में है अगर वहां वोट नहीं देंगे और इधर उधर बांट देंगे तो फिर यही लोग जीत जाएंगे। तो इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग बहुत समझदार हैं, सारी राजनीति अच्छी तरीके से समझते हैं, तो किसी के बहलाए फुसलाए में ना आकर हम सबको सिर्फ एकजुट होकर वोट देना है और उसी में हमारी सबकी तरक्की छुपी हुई है। हमारी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो सबकी बात करती है,
पीडीए की बात करती है और जितने भी लोग परेशान हैं वो सब पीडीए वाले ही हैं। तो अगर आप और हम मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे की ढाल बनेंगे, तो हमारे सामने ये फिरका परस्त ताकत टिक नहीं पाएंगी। इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है, चुनाव के दिन का एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण होता है, ज्यादा समय ना लेते हुए बस आपसे एक वादा लेना चाहती हूँ कि आने वाली 20 तारीख को आप अपना एक एक वोट समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल निशान पर डालकर हमारी प्रत्याशी यहाँ से सुम्बुल राणा जी को जिताने का काम करेंगे। वादा है आपका, वादा है आपका, पक्का वाला, बस ठीक है। और अपनी छोटी बहन को, अपनी बेटी को दुआओं में याद रखेगा। बहुत